स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल पर। और आज मैं आप लोगों के सामने मैथ्स फॉर्मूले का पार्ट टू लेके आया हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने घन, घनाभ, शंकु, बेलन यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन और सिलेंडर और जो है इसके फॉर्मूले सारे का वीडियो अपलोड किया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट में आप लोगों के सामने आज अर्धगोला, गोला यानी हेमी स्फीयर और स्फीयर और गोलीय कोश या खोखला गोला, इन तीन जो है आकृतियों के फॉर्मूले लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो किस तरह से देखें, देख लीजिए। सबसे पहले हेमीस्फीयर या अर्धगोला, इसके अंदर हम दो बात करेंगे फॉर्मूलों के, सी एस ए, टी एस ए और इसका आयतन जो की होगा तीसरा फॉर्मूला। और दूसरी जो आकृति है वो है गोला जिसको हम स्फीयर कहते हैं। इसके अंदर हम ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टी एस ए और इसका आयतन की बात करेंगे। तो देखें किस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, जो अर्धगोले का सी एस ए और अर्धगोले का टी एस ए और उसके बाद आप लोगों को आ जाना है गोले का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल पर। तो ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को एक साथ याद रखने हैं। अर्धगोले का सी एस ए होता है 2πr², इसी तरीके से अर्धगोले का जो टी एस ए है ये हो जाएगा 3πr² और दोस्तों सीधा आ जाइए गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे ठोस गोले के, जो कि हो जाएगा 2πr² 3πr² और जस्ट इसके बाद 4πr². तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अब अर्धगोले का आयतन की यदि बात की जाए तो ये होगा यहाँ पे देखिए 2/3, आपको सीधा यहाँ लिख देना है 2/3πr³, क्योंकि दोस्तों आयतन में हमें क्यूब याद रखना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और गोले का आयतन बहुत ही सिंपल है, अर्धगोले में 2/3 था तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4/3πr³, ये हो जाएगा 4/3πr³। इस तरीके से दोस्तों आप अर्धगोले और गोले के फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। अब गोलीय कोश या खोखला गोला देखें, उसको याद रखना बहुत आसान तरीका, जैसा कि मैंने आप लोगों को बेलन और खोखले बेलन में तरीका बताया था वही तरीका फॉलो करना है दोस्तों। बाकी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए मैं बता देता हूँ, 4π एज इट इज रहेगा, सिर्फ r का मान बदलता है। तो देख लीजिए इसका गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4π सेम रहेगा और आर स्क्वायर की जगह हमें वहां पे r1² - r2² लेना है। इसी तरीके से आयतन में 4/3π सेम रहेगा, मैं लिख देता हूं इधर 4/3π और आर क्यूब है यहाँ पे, तो वहां पे हम लिखेंगे r1³ - r2³। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आपको गोले के फॉर्मूले याद है दोनों, तो आप खोखले खोखले गोले या गोले कोश के फॉर्मूले आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर आपका फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं।